काफी सारे अलग अलग सरकारी स्कूल्स के लिए टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है। दो अलग अलग नोटिफिकेशन है, बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें। और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे ये दोनों नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, और उसके बाद डिटेल से नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले रिक्रूटमेंट आ रही है डिस्ट्रिक्ट मथुरा की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिला मथुरा में वैकेंसियां mathura.nic.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आप नोटिस के सेक्शन पे आएंगे, रिक्रूटमेंट दिखाई देगा, या तो आप यहाँ आइए या फिर इसी वेबसाइट पे नीचे आ जाइए। नीचे आप आएंगे लेटेस्ट न्यूज में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वैकेंसी प्रेस रिलीज 2021, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए 10/3/2021 को ये नोटिफिकेशन यहाँ अपलोड किया गया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसका पीडीएफ और एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। और इसके बाद जो अगली रिक्रूटमेंट है वो आ रही है डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज की तरफ से, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए mahrajganj.nic.in। तो यहाँ आपको एक नोटिस का सेक्शन दिखाई देगा, उसमें रिक्रूटमेंट दिखाई देगा, आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे यहाँ ये नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे जाएगा। कल 17 मार्च 2021 को यहाँ अपलोड किया गया है एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन इन कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल स्कूल्स। यहाँ क्लिक करेंगे इसका पीडीएफ और एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा, जो कि है कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले आप देख लीजिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 15 मार्च 2021 इस पे डेट डली हुई है। दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, और ऑफिशियल वेबसाइट पे कहां नोटिफिकेशन अवेलेबल है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया है, और मोबाइल पे भी वो ऑफिशियल वेबसाइट बड़े ही आराम से खुल रही है, आप ओपन करके देख सकते हैं। बाकी यहां भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। 13 अलग अलग कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, तो उन सभी के लिए वैकेंसियां आई हुई हैं कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की। किसके कितने पद हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका और अंशकालिक शिक्षिका दोनों की यहां वैकेंसी है। पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की टोटल 10 वैकेंसियां हैं। गणित में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो और उसी के साथ साथ टेट आपका क्लियर होना आवश्यक है, और उसी के साथ साथ एलटी या बीएड आपने कर रखी हो, 22,000 रुपये फिक्स आपको सैलरी मिल जाएगी। मिनिमम एज 25 है, मैक्सिमम एज 45 साल है। इसी तरह से विज्ञान शिक्षिका की यहाँ वैकेंसियां हैं, 22,000 सैलरी मिल जाएगी, एज लिमिट बिल्कुल सेम वही है, टोटल 9 वैकेंसियां हैं। अंग्रेजी की टोटल 3 वैकेंसियां हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय की 1 है। अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका कंप्यूटर की 8 वैकेंसियां हैं। अंशकालिक शिक्षकों के लिए वैकेंसी 9,800 रुपये फिक्स है। अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा की 8 वैकेंसियां हैं। इसी के साथ साथ कला क्राफ्ट एवं संगीत एवं गृह शिल्प की 9 वैकेंसियां हैं। मुख्य रसोईया की 2 वैकेंसियां, 6,900 सैलरी, 25 से 45 साल आयु सीमा। सहायक रसोईया की 4 वैकेंसियां हैं, 5,175 सैलरी, 25 से 45 आयु सीमा। चौकीदार की 1 वैकेंसी है, 5,750 रुपये सैलरी, 25 से 45 साल आयु। तो टोटल 55 यहाँ वैकेंसियाँ हैं जिनके लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है, और इनके लिए आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा। आपको अपनी एप्लीकेशन, ये देखिए इच्छुक पात्रताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र दिनांक 31/3/2021 सायं 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज मुख्यालय को केवल स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सकते हैं। साधारण डाक कोरियर से प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्वयं प्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षणिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टेट एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों के स्वयं प्रमाणित छाया प्रतियों तथा अपने पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न करें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम व विषय तथा आरक्षण वर्ग अवश्य लिखें। अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना संलग्नकों वाले, बिना हस्ताक्षर प्रारूप से भिन्न, अधूरे संलग्नकों वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको भर के और भेजना है। इसके बाद जो दूसरी रिक्रूटमेंट है वो आ रही है जिला मथुरा की तरफ से, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
धोली प्याऊ मथुरा की तरफ से रिक्रूटमेंट है। 9/3/2021 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ वैकेंसियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। फुल टाइम टीचर विज्ञान की 5 वैकेंसियाँ हैं, गणित की 9 वैकेंसी, अंग्रेजी की 6, सामाजिक विषय की 2। इनके लिए कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन टेट आपका क्लियर होना चाहिए और बीएड या एलटी आपने कर रखी हो। पार्ट टाइम कंप्यूटर टीचर की 3 वैकेंसियाँ 9,800, फुल टाइम टीचर के लिए सैलरी 22,000 है, पार्ट टाइम के लिए 9,800 है। शारीरिक शिक्षा 4 वैकेंसी 9,800 सैलरी, कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प की 2 वैकेंसियां 9,800 सैलरी, लेखाकार की 2 वैकेंसियां 11,000 सैलरी, सहायक रसोईया की 5 वैकेंसियां 5,175 सैलरी। तो यहाँ पे भी आपको बाय पोस्ट ही आवेदन करना होगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20/3/2021 5:00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धोली प्याऊ मथुरा में आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार से है जो आपके साथ शेयर कर दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी ही आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।